बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम ख्वाब की ताबीर बयान करेंगे। वो ये है कि अगर ख्वाब के अंदर कोई देखे कि सूरतुल आसर की तिलावत करता है या सूरतुल आसर को सुन लेता है या उसको लिख लेता है, तो उसकी ताबीर क्या है या उसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। और अगर ये ख्वाब मर्द देखे तो उसकी क्या ताबीर है, और अगर औरत देख ले तो उसकी क्या ताबीर है। हज़रत इब्ने सैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर ख्वाब में देखे कि सूरतुल आसर पढ़ता है, दलील है कि सब कामों के अंदर सब्र करने वाला होगा और तमाम कामों के अंदर कानिअ होगा। मतलब ये है कि इस पर किसी किस्म की परेशानी आएगी तो उन कामों के अंदर ये साहिब ख्वाब सब्र करने वालों में होगा, और सब्र करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया वबशिरिस्साबिरीन, और सब्र करने वालों के लिए तो खुशखबरी है। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसके माल को कुछ नुकसान और ज़रर पहुँच सकता है, और हज़रत जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस साहिब ख्वाब को इसकी तिजारत से फ़वाद हासिल होंगे, इसकी तिजारत से इसको फ़ायदा हासिल होगा। यानी साहिब ख्वाब अगर तिजारत वगैरह करता है तो इसकी तिजारत के अंदर इसको फ़ायदा पहुँचेगा। और फरमाया साहिब ख्वाब को चाहिए कि नेक आमाल भी करे। इसकी एक ताबीर ये भी होगी कि साहिब ख्वाब नेक आमाल भी कसरत के साथ करे और हक के रास्ते की तरफ चलने की कोशिश करे, और ये भी ताबीर होगी क्योंकि एक ज़माना गुजर रहा है, तो एक लंबा ज़माना, एक लंबी ज़िंदगी आने वाली है जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। आखरत की उस लंबी ज़िंदगी के लिए, आखरत के उस लंबे सफ़र के लिए भी तैयारी करे। उसकी तैयारी के लिए क्या है, नेक आमाल करे, हक के रास्ते पर चले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करे। और आखिर में ये भी बता दूं कि अगर उसने सूरतुल आसर को लिखा है तो इस बात की तरफ इशारा होगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, अगर ये बंदा साहिब इल्म है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इसको इल्म नाफ़े अता फ़रमाएंगे, ऐसा इल्म अता फ़रमाएंगे जो इसके लिए नफ़ामंद होगा, जो इसके लिए फ़ायदा मंद होगा। आप भी अगर अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर अपना ख्वाब लिखें, आपके ख्वाब की ताबीर भी आपको बताई जाएगी। लेकिन शर्त ये है, आप ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपने ख्वाब किस वक्त देखा है, सहरी के वक़्त देखा है या रात के पहले पहर देखा है।